कहते हैं सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, वो हमेशा अमर रहता है। इसी की एक वानगी देखने को मिली है जब घर वालों ने एक प्रेमी जोड़े का प्यार स्वीकार नहीं किया और शादी से साफ इनकार कर दिया तो दोनों ने एक साथ मौत को गले लगा लिया। प्रेमी जोड़े ने कथित तौर पर 6 महीने पहले एक दूसरे को गले लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी। उन दोनों की लाश पेड़ पर एक साथ फांसी के फंदे पर लटकी हुई पाई गई थी, लेकिन 6 महीने के बाद घर वालों को उनके सच्चे प्यार का एहसास हुआ तो उनकी मरने के बाद शादी करवाई गई। यह अनोखा मामला गुजरात के तापी का है। यहां के निवाला गांव में रहने वाला गणेश गांव की एक लड़की रंजना से शादी करना चाहता था। अगस्त 2022 में रंजना को पत्नी बनाकर गणेश अपने घर ले आया, जहां परिवार वालों ने इस रिश्ते को अपनाने से इनकार कर दिया और दोनों को घर से निकाल दिया। कुछ देर बाद उन दोनों की लाश पेड़ पर एक फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली। उनकी मौत के 6 महीने के बाद घर वालों को यह लगा कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन जब दोनों जिंदा थे तो उन्हें शादी नहीं करने दी गई। परिजनों को अपनी भूल का एहसास हुआ और इस प्रेमी जोड़े की आत्मा की शांति के लिए प्रतीकात्मक तौर पर दोनों की शादी करवाई गई। इसके लिए दोनों के पुतले बनवाए गए और शादी उसी आदिवासी परंपरा के मुताबिक करवाई गई। परिजनों ने उनके पुतले बनवाकर बारात निकाली और फिर 7 फेरे भी करवाए। इसके अलावा पुतलों को पकड़कर विवाह में होने वाली बाकी रस्में भी पूरी करवाई गई। लड़की के दादा का कहना है कि लड़का हमारे दूर के परिवार से ही रिश्ते में था, जिस वजह से ये शादी नहीं हो सकती थी। ऐसे में दोनों परिवार के सदस्यों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए पुतले बनाकर उन दोनों की शादी करवा दी। नेशनल डेस्क, न्यूज़ लाइफ, बिहार।